मैथमेटिक्स का टॉपिक है क्लास फिफ्थ के लिए, सिक्स के लिए, प्रीडिसर नंबर, प्रीडिसर नंबर्स। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। कौन सी संख्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, हम इन सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए, इसका पहले मैं क्या बना रही हूँ, फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं आप सीखिए। कोई भी नंबर लिया, उस नंबर में से माइनस वन कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमें? प्रीडिसर नंबर। क्या मिल जाएगा हमें? प्रीडिसर नंबर। तो ये मिल गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर में से हमें क्या करना है? माइनस वन करना है। हिंदी में भी कैसे लिख लेंगे हम इसे? संख्या, किसी भी संख्या में से माइनस वन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये पूर्ववर्ती संख्या। तो देखिए, हिंदी में भी इसका फॉर्मूला बन गया और इंग्लिश में भी इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया है 45। 45 में से माइनस वन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 45 में से माइनस वन किया तो 44। 36 में से माइनस वन किया तो क्या मिलेगा? 35। 100 में से माइनस वन किया तो क्या मिलेगा? 99। 75 में से माइनस वन किया तो क्या मिल जाएगा? 74। 233 में से माइनस वन किया तो 232। 849 में से माइनस वन किया तो 848। तो देखिए, प्रीडिसर नंबर क्या होते हैं? किसी भी नंबर में से माइनस एक को करना है तो हमें प्रीडिसर नंबर मिल जाएंगे। किसी भी संख्या में से जब हम माइनस एक को करेंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। इस तरीके से आप बड़े से बड़ा नंबर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 999 को माइनस वन कर दो तो क्या मिल जाएगा? 998। तो समझ में आया आप सभी को कैसे करके हम प्रीडिसर नंबर फाइंड करते हैं।